क्यों बोला? मजाक, सिर्फ मजाक था वो। फिर उसके बाद बोल दो टाइम ले रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। मैं अरे मजाक था, अपनी चॉइस के हिसाब से लड़की को चूज करूंगी। है ना स्मृति, ये कह रही है कि मैं चलाती हूँ, यहाँ स्मृति चलाते हुए आ रही है। स्मृति सीख रही है, चला रही है। सो गाइस, काफी मजा आ रहा है आज मोटो व्लॉगिंग करने में। लाइफ में पहली बार मोटो व्लॉगिंग, ये। Hey guys, good morning and welcome back to another vlog. आज कितने दिनों बाद हम लोग घूमने जा रहे हैं, है ना रोनी? मॉर्निंग नहीं हो रहा है ये पहली बात तो। कभी कभी मैं वीडियो 12 बजे से पहले अपलोड कर देता हूँ ना, और पहले 10 बजे करता था, तो आदत ही वही पड़ी है मॉर्निंग यानी की। कोई नहीं, आ जाएंगे हम घूमने मस्त, बहुत दिनों बाद बोर हो गए थे यार रूम पे बैठे बैठे, है ना। कितने दिनों बाद ओपन हाउस कैफे और यहीं आसपास ही घूम रहे थे। एक तो पहले उसकी पाँव में लग गई थी, इंजरी हो गई थी, फिर दूसरा मेरा सीन हो गया था, बुखार जुकाम सर दर्द सब कुछ। और बताना आज मैं गंजे पे ये लगा रहा हूँ, मस्त तो तब लगेगा रोनी जब कहेगा टोपी उतारेगा, है ना? नहीं तगड़ा लगता तभी आएगा। अब टोपी तब उतरेगी जब बाल आ जाएंगे सारे। रोनी को जोश जोश में दिला दिला के कई बार टोपी उतरा दिए, अब रोनी उतारता ही नहीं। कितने दिनों से गंजा भी करवा दिया, अब अफसोस हो रहा है। मैं खुद गंजा हुआ था यार एक बार जब मेरे बाल झड़ रहे थे। गाइस अभी हमारे रोमियो भी तैयार हो गए हैं, इसके कपड़े और वो सब तो मैंने बैग में रखे क्योंकि अभी धूप हो रही है ना। और स्मृति पहले ही आ गई मेघा से। हेलो, कितने दिनों बाद आ रही है आज स्मृति? हां आज मैं बहुत दिनों बाद निकल रही हूं। हमारे बच्चे को ना अपने पुच्छे बोलते हैं। ये बच्चा ही तो है फिर, एक पुचका। पुचका ना पुच्छे, पुचके भी नहीं, पुच्छे ए पुच्छे बोलते हैं। तो नेपाल में बता रही स्मृति, इसको पुचके कहते हैं। पुचके कहते हैं तुझे? नीचे खेलो। पुचके नहीं, पुच्छे। आजा पकड़ना संभल के। कितने दिनों बाद स्मृति से मिलना है? कितनों दिन तो बहुत मिली छे। वहां मिल जा, वहां मिल जा, किनारे मिल जाना। कितने देर में आ रही है मेघा? तो गाइस जब तक मेघा आती है और रोमियो को भी थोड़ा घुमा लेता हूँ, क्योंकि कहीं भी घुमा ले जाने से पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसको घुमाता हूँ थोड़ा, ताकि ये कंफर्टेबली घूमे हमारे साथ। तो जब तक ये घूमता और एंजॉय करता हो, जब तक मेघा आती है, तब तक आप एक सीक्रेट देखिए। गाइस जब से रोमियो खरीद रखा ना, मैंने इतने मैसेज और क्वेश्चन आ रहे कि संदीप भैया रोमियो कौन सी ब्रीड है, और जिसको बताया मैंने गोल्डन रिट्रीवर वगैरह, इतना महंगा डॉग आपने खरीदा कैसे? वैसे आप देहरादून में रह रहे हो ऑलरेडी, इतने खर्चे ऊपर से रोमियो कैसे अफोर्ड कर लिया? तो गाइस इसका सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गाइस इसका सीक्रेट है वेल्थ क्लब 9 एप्लीकेशन, जहां मैं सिर्फ कलर प्रिडिक्ट करके खूब सारे पैसे कमा रहा हूं। तो गाइस ये है कलर प्रिडिक्शन एप्लीकेशन, जहां आपको रजिस्टर करने के बाद कंपनी के व्हाट्सएप प्रिडिक्शन ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ता है, और इनके व्हाट्सएप ग्रुप की प्रिडिक्शन को फॉलो करके आप रोज यहां से मोटी कमाई कर सकते हैं। और इसका प्रूफ आप मेरी आईडी में देख सकते हैं कि मैंने इस महीने यहां से कितने पैसे विड्रॉल किए, और अभी भी मेरा बैलेंस 40,000 के अराउंड में है। सो गाइस आप यहां 2,000 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस जैसा आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप प्रिडिक्शन आ चुकी है गोल्ड पर, जिसमें इवन लगाने को बोला गया है, और मैं इवन पे 1500 रुपए लगा दे रहा हूँ, और गाइस मेरा बैलेंस 3800 रुपए हो गया है। सो गाइस यहाँ अगली प्रिडिक्शन आ चुकी है ग्रुप में, जहाँ गोल्ड पर ऑड लगाने को बोला गया है, और मैं ऑड पे 500 रुपीज लगा दे रहा हूँ, और गाइस मैं फिर से विन हो चुका हूँ। मेरा बैलेंस कहाँ से कहाँ पहुंच गया सिर्फ 2 मिनट में आप देख सकते हैं। सो गाइस इस एप्लीकेशन का नाम है वेल्थ क्लब 9, और आपने देखा होगा कि यहाँ कैसे इनकी व्हाट्सएप ग्रुप की प्रिडिक्शन को फॉलो करके मोटा पैसा कमाया जा सकता है। सो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का रजिस्टर लिंक दिया है, जहाँ से आपको सिंपल अपना मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड बना के आईडी क्रिएट करनी है, और नीचे एंजॉय पे जाकर ऊपर रिचार्ज सेक्शन में जाना है और अपना बैलेंस ऐड कर लेना है। और गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर दे रखा है, जहां से आपको इनका व्हाट्सएप प्रिडिक्शन ग्रुप मिल जाएगा। सो गाइस देरी किस बात की, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, प्लीज चेक इट आउट। तो गाइस मेघा ने इतनी लेट करी कि हम लोग वापस ही आना पड़ा हमें इन लोगों के पास, और पकड़ लिया इसने रोमियो को। रोमियो डर रहा है तुमसे पता है आजकल? क्यों, तुमने कुछ कहा डांटा आठा तो नहीं इसको? पागल है संदीप, खुश हो रहा है वो मेरे पास। रोमियो तो खुश है ये देखो ये इसके कपड़े पहनाएंगे मस्त करके भी चले। अरे मक्की हटा दो, हट गई, अभी नहीं हटी है, यहाँ पर मच्छर जैसा बैठ रखा है। मैगी पॉइंट चले, इसको बैग में रख दो, इसके कपड़े भी लेकर आऊँ मैं। देखो थोड़ी देर बाद ठंडा ठंडा टाइप का होने लगेगा ना, यार अपना प्यारा सा तौलिया, बैग में जाना ही नहीं है। इस साइड इसका मुंह रखना, मैं बड़ा हो गया अब, मैं छोटा बच्चा नहीं जो मुझे बैग में रख रहा हो मुझे पकड़। अब इसको इसी में रहना है ना, जब तक तेरे मालिक गाड़ी नहीं खरीद लेते हैं तब तक तेरे को बैग में ही घुसना है। अरे रोमियो कह रहा अब तो बस ऐसे ही बैठे रहना है फिर। कह रहा अब तो तब तक गाड़ी के आगे से मैं तो बहुत बड़ा हो जाऊंगा, ये मजे फिर कहां। पता नहीं कितने, इसको एक काम करते हैं डिग्गी में डाल देते हैं।
हाँ हटाओ। तभी रोनी लोगों का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए, हमारे साथ ही आ रहे थे। आराम से रोमियो, आराम से खेलो अच्छे से। कहाँ गए रोनी लोग, तो देख तूने देखा नहीं क्या पीछे से? ड्राइव करूं तो मेरे साथ बैठना पसंद ही नहीं आ रहा। तुम ड्राइव कर पाओगे? कर लूंगी आराम। पक्का? ये देखो मैं कह रहा हूँ इतनी लेट क्यों हुई है गाइस, अभी सरप्राइज देखो आप। ये देखो स्मृति चला रही है। मैं ही बोल रही थी इनको मैं चलाती हूं। ये कह रही है कि मैं चलाती हूँ, यहाँ स्मृति चलाते हुए आ रही है। अरे स्मृति सीख रही है, चला रही है, है? जिंदगी इसके हवाले थी अभी। अब मैं अपनी जिंदगी दे रहा हूँ इसके हवाले। चुप हो जाओ। चलाएगी? हाँ, इसको पकड़ो बस, इस जिंदगी को संभाल लो तुम, अच्छे से पकड़ना, ध्यान रखना पीछे रोमियो का, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ हाँ, मुझे भी बोलो। ये गाय भैंस सब चल रही है यहाँ पे। स्मृति वहाँ पीछे राइडिंग कर रही है। स्मृति राइडर, अब इस रोनी और मेरी जान इन लड़कियों के हवाले है, बिल्कुल भरोसा नहीं है हमें तो। रोनी तो आप पकड़ पे हैंडल भी पकड़ ले रहा है बीच में, डर लग रही है उसको। अब मेरे पास तो रोमियो भी है। हम तीन लोग की जिंदगी, लड़की लोग नहीं, हम तीन लड़कों की जिंदगी, ये भी तो लौंडा ही है। चलो चलो चलाओ। तो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है आज मोटो व्लॉगिंग करने में, लाइफ में पहली बार मोटो व्लॉगिंग, ये। तो गाइस अभी तो मेरी हालत हो रखी है ख़राब, पीछे वो लोग तो और पता नहीं कितने पीछे, स्मृति और रोनी, क्योंकि स्मृति और कम चला पाती है। रेखा को तो तब भी थोड़ी बहुत चलानी आती है, लेकिन स्मृति को तो बिल्कुल भी नहीं आती है। और हमारा रोमियो इतना इंजॉय कर रहा है ना। हेलो रोमियो, हेलो, कैसे हो? खाना चाहिए, बिस्किट चाहिए? तो अभी हम आ चुके हैं सुसाइड पॉइंट में। तो अभी हमारे रोमियो के साथ फोटो शूट कर रहे हैं। तो अभी हम सभी के सभी बीबी के वैन का ढिंडोरा देख रहे हैं, जो कि रिलीज हो गया अभी। क्यों लड़ रहे हो तुम सर? वो पता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टोरी बनाने के लिए उसको पीने नहीं दे रही है। हरकत देखो इसकी, कोक की स्टोरी बना रही है बेचारा, और वो बस स्टोरी बनानी है। कोक भी कह रहा होगा साला, ऐसे हाथों में कभी जाऊंगा नहीं, मेरे को तड़पा रहे, खोल दिया गैस सारा उड़ रहा। क्या यार, मेरी फीस उड़ रही। किसी को कोक पीनी है? मेरिंडा तो मेरिंडा पिएगा, मेरिंडा मेरिंडा पीना यार, ये स्पेशल वाला कोक। मेरिंडा कौन पिएगा बताओ? क्या करें इसका? मेरिंडा मेरिंडा हो जाएगा। अरे यार, इसने टॉयलेट कर दिया यहाँ पे। पहले इसको इधर ला इसको। अब क्या नीचे कर रहे हो? कर दिया काम आप। करिए ना, टिश्यू लेके, टिश्यू लेके आइए। टिश्यू, टिश्यू या पेपर होगा ना इनके पास। स्मृति इन द मिनट ने मुंह आए, पता क्या? पता क्या क्या हो गया इसको? समझ में आया मिरिंडा वाला, मिरिंडा पीना स्मृति। अभी समझ में आया इसको मिरिंडा वाला। स्मृति तेज है ना दिमाग की। अरे मैं क्या कह रहा, मैं क्या कह रहा, अरे किसी और का फिर हाथ पाथ खाना तो खजाना मिल गया है, गंदा हो जाएगा ना उससे। तो क्या करें फिर इसमें, सफाई कैसे करें? या तो कपड़ा भी नहीं, वही हाथ हमारे हिस्से में आ गया तो क्या करोगे? एक ही उपाय है इसका, स्मृति अगर मेरिंडा पी जाए तो बस पेपर या टिश्यू होगा। मेरिंडा कैसे पीना है? क्या संदीप कुछ भी बोलते हो यार, ये तो अभी इसको पता नहीं। यहाँ लड़कियों को देखते रहूंगा मेरा मूड खराब होगा। अब यहीं आते हैं मैं और रोनी, यहीं मारते हैं। पता करके आ गए, सुबह 5:30 बजे खुल जाएगा, सुबह 5:30 बजे से बैठ जाएंगे रात को 10 बजे तक। लाना पड़ेगा ना, यहाँ सिर्फ लड़का लड़की आ सकते हैं। तो गए चलते हैं यहाँ से, चलो चलो। मजा आया ना यहाँ पे? क्या बोलता, मॉडल आ रही है यहाँ पे, मॉडल ही मॉडल है। अब मैं और रोनी का तो डेली आ, मेरे और रोनी का तो प्लान बन चुका है। अब हम डेली 10-10 की चाय पिएंगे। हम भी चाय और क्या, क्यों तुम्हें लड़के नहीं दिख रहे हैं आस पास, काले रंग की टोपी पहने हुए? आप लोग क्यों आते हो हमारे साथ अगर आपको यहीं आने का मन कर रहे हैं तो, है ना? है स्मृति, मॉडल मॉडल की बात कर रहे हैं। आप मॉडल से कहाँ है क्या, क्यों जाना इधर उधर? तुम्हें काले रंग की टोपी वाले लड़के नहीं दिख रहे आस पास? तो अभी हमारे रोमियो को पकड़ रखा है, एक दो। रोमियो लड़कियों के पास ही रहता ज्यादातर ये। अच्छा।
तभी इसका नाम रोमियो रखा है मैंने। तो गाइस अभी हम आए हैं ये वैन वाला कैफे, पता है, तो मैं नीचे से दिखाऊंगा आपको पूरा इसका लुक। पर मैगी पॉइंट में जाके तो बोल रहे थे कि यहाँ पे सुंदर सुंदर मॉडल आ रखी है। तुमने कहा था टाइम लूंगी करके, अब तो बहुत टाइम हो गया, 4-5 दिन हो गए, लोग तो 1 घंटे में फैसला कर लेते हैं। बताओ, 1 घंटे में फैसला करने वालों में से नहीं हूं। तो 1 घंटा नहीं, कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए ना। यस बोल दो, बिल्कुल नहीं मानने वाला है। रोमियो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, माल गिनने चाहिए तुम्हें। अरे नहीं, अरे स्मृति की बात तो सुनो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो दोस्त, सिर्फ तुम मेरे बारे में सोचोगे तो यस बोलूंगी, ऐसे नहीं। टाइम तो बहुत टाइम लगता है, वो तो इतना ठोना लगता है, फिर सोचना पड़ेगा, सोचूंगी, काफी टाइम लेना पड़ता है, कई लोग तो साल लगा देते हैं सोचने, और कई लोग 1 सेकंड में तो लेते हैं। 1 सेकंड वाले वो 1 सेकंड में छोड़ने वाले भी होते हैं, 1 सेकंड में छोड़ भी सकते हैं, देखा ये सही। और एक दिन वाले तो सालों साल टिकते हैं, एक साल किस्मत वालों की टिकते हैं, थोड़े सबके टिकते हैं। हां, गुस्सा नहीं, सम टाइम है ना स्मृति, कितना टाइम है, वो टाइम ले रही है, साल भी ले सकती है तब तक, एक साल भी ले सकती हूँ। 1 साल में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा, क्या पता मैं यहाँ नहीं हूँ वहाँ हल्द्वानी पहुँच जाऊँ वापस। 1 साल में हम दोनों भाई शादी करके सेट हो जाएंगे। हाँ, क्या बताऊँ, हम दोनों सेट हो जाएं, मैं और रोनी, ऊपर से रोमियो, रोमियो की कितनी डिमांड हो रही है लड़कियों के लिए, देख रहे हो, हर कोई लड़की आ रही, रोमियो को पकड़ ली पहले। रोनी, रोनी की हो जाएगी शादी जल्दी, रोनी को बहुत एक्साइटमेंट है शादी की। रोनी का बच्चा लेकर चटमंगनी पट गया, बस अच्छी लड़की मिलने की देरी है। मिल जाएगी, इसको कोई टेंशन नहीं है, मैं इसकी शादी में जरूर आऊंगी। मैंने बुलाया तुझे? मैं नहीं बुलाने से भी आऊंगी। हम भी आएंगे, वही ना। चले रोमियो सो गया, अब तो बर्थडे भी आने वाला है इसका। बर्थडे पे यस यस, क्या हमें कहाँ ले जा रहे हो? बर्थडे डिसाइड नहीं हुआ है, बट हाँ, कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं स्मृति, बता नहीं रहो ना, क्योंकि हम लोग भी कहेंगे आने को करके। क्यों ऐसा भी मत करो यार, एक तो तुम ना कह रहे हो, ऊपर से बर्थडे में भी नहीं बुला रहे हो। रेस्टोरेंट में पार्टी नहीं चाहिए इनको, इनको चाहिए अच्छे से, अगर प्लेस में हम लोग पार्टी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो इनको लड़कियां देखनी है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है यार, देखनी है सुंदर सुंदर मॉडल्स। अरे वो मैंने मजाक में कहा था। क्यों बोला? मजाक, सिर्फ मजाक था। फिर उसके बाद बोल दो टाइम ले रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। मैं, अरे मजाक था, चॉइस के हिसाब से लड़की को चूज करूंगी ना स्मृति। मजाक था, मजाक, सिर्फ मजाक। कब मिलेगा मेरे को? जल्दी मिलेगा आपको भी, जल्दी मिलेगा। हमें पसंद तो आ रहे, लेकिन उनको हम पसंद नहीं आ रहे ना, ये बात हो जा रही है। तुम अगर एक से प्यार करते हो, अगर आपका कहना है की तुम मुझसे प्यार करते हो, तो संदीप तुम्हें और पसंद कैसे आ जा रहे हैं? मैं एक कहावत कह रहा हूँ, मैं तेरी बात तो कर रहा हूँ कि जिन मेरे को जो पसंद आ रहा है उनको मैं पसंद नहीं आ रहा था, कि मेरे को लड़कियाँ पसंद आ रही है, तो तुम्हें अगर मुझसे प्यार, वो तो मैं चेक कर रहा था यार, वो मैं चेक कर रहा था। सीरियस होके लव यू बोल रहे थे, सीरियस होके लव यू बोल रहे थे और मुझसे कह रहे हैं, ठीक है, और अब वहाँ जाकर लड़कियाँ बहुत सुंदर है, मैं तो यही लड़कियों को ही देखने आऊंगा, ये क्या बात होती है? और फिर बोलोगे मैं जेलस फील कर रही हूँ, मुझे बोलोगे मैं जेलस फील कर रही हूँ, मैं तो एकदम वैलिड चीज बोल रही हूँ, ये गलतफहमी है। चलो चलने, गाइस आज के ब्लॉग को यही एंड करता हूँ, और अभी तक आपने अगर वेल्थ क्लब 9 डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक इट आउट। और आपको तो बताइए आज डेट है 26/11 और मुंबई में क्या हुआ था, तो ह्यूज रिस्पेक्ट टू इंडियन आर्मी एंड मुंबई पुलिस। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।